देखिए आज का जो प्रोग्राम है, हमने माननीय साहब काशीराम जी के जन्मदिन के रूप में बहुजन संकल्प दिवस के रूप में मनाया है जी। और बहुजन संकल्प दिवस हमने इसलिए नाम दिया इसको कि माननीय साहब काशीराम जी ने जिस मिशन के लिए जीवन भर लड़ाई की, जिस मिशन के लिए वो अपना तमाम जीवन उन्होंने बहुजन समाज को समर्पित कर दिया, दुर्भाग्य से साहब की आंखें बंद होते ही वो मिशन कहीं डूब गया। जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। साहब ने कैडराइज जिन लोगों को किया वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए या किसी वजह से कमजोर हो गए, या साहब की मेहनत की बदौलत जिनको सत्ता हासिल हुई वो सत्ता के नशे में चूर होकर केवल एक दलाल बनकर रह गए, पैसा इकट्ठा करने की मशीन बनकर रह गए, समाज को और बहुजन मूवमेंट को, बहुजन मिशन को भूल गए। तो माननीय साहब काशीराम जी का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का, फुले साहब का, शाहू साहब का जो मिशन है, वो मिशन आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उसे पूरा करेंगे और अपना तमाम जीवन इस मिशन को पूरा कर खड़ा कर और बहुजन समाज को एक नया, एक सशक्त विकल्प, राजनीतिक विकल्प, और जो साहब ने कहा था आर्थिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन, उसके लिए हमने लगाने का निर्णय लिया है। सर, ये जो इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर अफरा तफरी मच रही है कि कहीं आंगनबाड़ी का मसला है, कहीं शिक्षा मित्र का मसला है, और इन मसलों को भी छोड़ दिया जाए तो लेनिन साहब जो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, फिर और रामास्वामी नायकर ने भी समाज की बहुत बड़ी सेवा करी और उनका प्रचार प्रसार किया, आज उन्हीं की स्टैचू तोड़ी जा रही हैं। देखिए, उनकी स्टैचू तोड़ने का एक सीधा सीधा मतलब है, आप समझ सकते हैं कि वो जो मनुवादी सोच है, क्योंकि वो जो मूर्तियां लगाई जाती हैं वो प्रेरणा का स्रोत होती हैं और वो प्रेरणा के हर स्रोत को मिटा देना चाहती हैं, हर उस निशान को मिटा देना चाहती हैं जिसकी वजह से बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसकी वजह से बहुजन समाज में क्रांति हो और सामाजिक बदलाव इस देश में आए, तो वो हर निशान को मिटाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं और यही उनकी घृणित और मनुवादी सोच है। लेकिन हमें इस बात से सबक लेना चाहिए कि जो केवल हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनकी मूर्तियां तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सत्ता में हमारी भागीदारी कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये देश हमारा है, हम बहुजन समाज यहाँ 85% की आबादी में है, 100 में से 85% हम लोग हैं, ये हमें समझना है कि हर सूरत में संगठित होकर बहुजन समाज को सत्ता में लाना है। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि माननीय साहब काशीराम जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बच्चों के बगैर इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा और बहुजन समाज को मुझे इस देश का हुक्मरान बनाना है, क्योंकि जो समाज हुक्मरान होता है उस समाज पर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होता। हम उसी मिशन को पूरा करने के लिए रात दिन लगे हैं। सर, वही आपने बताया कि बहुत अच्छी बात है कि और जो भी मंच से बोलते हैं, सबसे पहले अगर संबोधन लिया जाता है तो बाबा साहब का नाम लिया जाता है, और आज बाबा साहब के संविधान का जो खंडन किया जा रहा है और जो उसके अंदर जो धाराएं उनका खंडन किया जा रहा है, क्या सर आपको लगता है कि जो पहले हमारे पीढ़ी थी, हमसे पीढ़ी जो थे अनपढ़ गंवार थी, जिनके पास पैसे का अभाव था, उस समय इस संविधान को टच नहीं होने दिया और आज इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जिनके पास बिल्डिंग है, लंबी लंबी कोठियां हैं और जिनमें एसी लगी हुई है और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर चलता है और आज एट्रोसिटी जैसे एक धारा पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला सुनाया है। नहीं, देखिए, ये वाकई में दुखद स्थिति है कि अब से पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब से पहले जो सरकार भी ऐसी नहीं थी जिस तरह की इस समय मनुवाद की सरकार है। जो सरकार आज की तारीख में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो न केवल देश में बल्कि देश के हर प्रदेश में, हर कोने में जो मनुवादी शासन है, मनुवादी संविधान है, उसको लागू करना चाहती है। और हम सब लोगों को, आखिर हम कब तक अन्याय सहेंगे, कब तक अत्याचार सहेंगे, ये हम लोगों को इकट्ठा होना है। कोई भी यहाँ से आपको आवाज़ दे सकता है, कोई भी आपको जगाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आखिर में जागना तो जनता को ही है, जागना तो लोगों को ही है, और जो कोठी वाले लोग हैं, जो गाड़ी बंगले वाले लोग हैं, उन्हीं को सबसे मैं समझता हूं कि आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए। क्योंकि अगर आज उनके पास कोई गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, सब कुछ है, तो वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है, उनके लिखे संविधान की बदौलत है और माननीय साहब काशीराम जी के कर्मों की बदौलत है। तो समाज को समझना है, उन लोगों को समझना है कि क्या उनका दिया हुआ कर्जा हम उसे अपने सर पर लेके जाएंगे या हम उसे उतार के जाएंगे। अब मैं मानता हूं कि अगर वो लोग समझेंगे और आगे आएंगे और पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो समाज निश्चित रूप से अपना हक हासिल कर सकेगा
और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है ये नहीं हो पाएगी। सर, आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, जो अभी एट्रोसिटी का जो ये इन्होंने एक फैसला सुनाया है, इसको रोकने के लिए क्या पहल की जा सकती है? देखिए, इसको रोकने के लिए दो तरह की पहल हो सकती है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो ये तो आप मान ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलने वाला। और अभी आपने देखा, एक साथी हैं, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों से आगे बढ़ के ये काम किया है, उसका ये अधिकार नहीं है जो कानून बनाना है। जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो इस समय, आज के समय में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके दो तरीके हैं इसे रोकने के लिए, तीन तरीके। नंबर एक, कि सुप्रीम कोर्ट एक संविधान पीठ का गठन करे, और क्योंकि ये कानूनी मसला है, ये संविधान से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर संविधानिक पीठ का गठन करके एक सही फैसला इस पर दे। एक तो ये तरीका है न्यायिक रूप से। दूसरा इसका तरीका है कि जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, अगर वो वाकई में दलितों की हितैषी है, वो वाकई में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की हितैषी है, बाबा साहब का नाम लेती है, तो वो संसद में एक संविधान संशोधन बिल लाए और संविधान संशोधन बिल लाकर ये जो आदेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म करे। और तीसरा है कि भाई अगर ये दोनों नहीं करते हैं, और मुझे विश्वास है कि दोनों नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और न्यायपालिका का, और साथ में जो बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं, अंबानी अडानी जो कैपिटलिस्ट हैं, उन कैपिटलिस्ट का, धनवानों का एक बड़ा गठजोड़ हो गया है, और साथ में इनके जो मीडिया है वो भी इनके साथ में मिल गया है, तो ये जो गठजोड़ हो गया है, ये किसी हालत में ये इसको ख़त्म करने का काम नहीं करेगा। तो एक ही रास्ता हमारे पास बच जाता है, वो है जनता जागे, अपने अधिकार के लिए इकट्ठी हो और सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को लड़े। सर, 545 आपके वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिसमें 78 अनुसूचित जाति से हैं और एक दलित राष्ट्रपति हैं, उनके होते हुए भी संविधान के पर छेड़छाड़ की गई। देखिए, आपको अगर ध्यान हो तो जिस समय पूना पैक्ट हुआ था, बाबा साहब ने बहुत मजबूरी में, बहुत विषम परिस्थितियों में उन्हें यह पूना पैक्ट करना पड़ा, लेकिन वो जानते थे कि जो मैंने किया है उसके बाद होना क्या है। और उसके नतीजे भी आए कि 1935 का जब अधिनियम बना, 1935 का एक्ट बना, और उसके बाद में 1937 में जब चुनाव हुए, तो चुनाव में जो बाबा साहब से जुड़े हुए लोग थे उनकी बजाय कांग्रेस में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे वो भारी संख्या में जीत कराए। और उसी समय बाबा साहब ने कहा था कि ये जो लोग जीत कराए हैं ये समाज के लोग नहीं हैं, समाज का काम नहीं करेंगे, और उन्होंने कभी आवाज़ उठाई भी नहीं। तो आज जिनकी तारीख में जो बात करें, 78 की अनुसूचित जाति की बात करें, मैं तो टोटल बात कर रहा हूँ कि 131 MP लोकसभा में हमारे हैं और राज्यसभा में भी लगभग 20 से 25 MP हमारे हैं, लेकिन सारे के सारे, मुझे कहने में दुख नहीं है, कहने में झिझक नहीं है, कि सारे के सारे अपनी ही पार्टियों के, जिस भी पार्टी में हैं, वो बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, और वो न कभी बोले थे न कभी बोलेंगे। 70 साल हो गए 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद आज 18 चलिए 68 साल हो गए संविधान लागू होने के बाद, उन्होंने कभी समाज की आवाज नहीं उठाई, वो आज भी नहीं उठा रहे हैं और वो कभी नहीं उठाएंगे। ये सोचना समाज को है, देखना समाज को है कि ये जो पार्टियों के जो लोग जीत के आए हैं, अगर आगे भी तुमने इन्हीं पार्टियों के लोगों को जिताया तो होगा तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए जो राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन यानी नेशनल बहुजन अलायंस बना है, इसकी जो पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज की विचारधारा को, मानवर साहब काशीराम और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रही है, आने वाले 2019 के चुनाव में इन साथियों को जिताएं, इन साथियों के जो, इन पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनको जिताएं और पार्लियामेंट में भेजें, तभी आपकी आवाज उठेगी। और मैं तो इससे कहता हूं कि जब तक वो हो, हमें सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क पर उतर के ही इसका समाधान हो सकेगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ 30,000 किसानों ने नासिक से बॉम्बे मार्च किया, जैसे ही वो किसान बॉम्बे पहुंचे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, हम किसी भी संगठन में हों, हम किसी भी पार्टी में हों, हम किसी भी जाति के हों, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात जो पूरे बहुजन समाज के लिए उठती है, बहुजन समाज की बात हो रही है, तो हम सबको एक मंच पर आना होगा, इकट्ठा होना होगा, और इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हमें कुछ मिलेगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।